तो हे गाइस मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मैं रेडी हो चुका हूँ, ऊपर का बटन खुला हुआ है, कोई ना। दोस्तों आज फिर रेडी हो गया हूँ काम पे जाने के लिए, और कल रात से मेरे को लिस्ट दे दिया गया था काम का। सो मैं घर पे कोई ब्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि घर पे जो है ना, मतलब काम चल रहा है घर का, थोड़ा मतलब दरवाज़ा का काम चल रहा है। सो इसलिए मैं रास्ते में आके वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि हमारा जो मार्केट है यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पे, वहाँ पे हमारा काम है। सो फटाफट वो मार्केट चलते हैं, वहाँ पे पहला काम करते हैं, उसके बाद कोई स्टेप लेंगे किधर जाने का है, क्योंकि 5-7 काम दिया गया है। अब से कॉल नहीं करके पूछ सकते, क्योंकि कॉल अभी से कर देंगे ना तो कस्टमर कॉल करके हैरानी कर देंगे। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप मेरा चैनल पे नया हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो लेट्स गो। तो अभी हम जा रहे हैं हमारा मार्केट, पहला काम मार्केट के पास है, तो वो काम भी अर्जेंट है, फ्रंट का काम है, इसलिए कस्टमर ने जो हमको लोकेशन दिया था, हम आ गए। अब आगे निकल गए यार, यहाँ से सामने एक कन्वेंट स्कूल है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, वो यहाँ पे काम कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जो काम था हमने कर लिया, एक बैग इतना वेट है, क्या करूँ, काम तो ख़त्म हो गया। अभी बारी है ऑफिस को कॉल करने का, और ऑफिस को कॉल करके पूछेंगे कहाँ जाना है, और पहले कस्टमर को कॉल करके डिसाइड कर लेते हैं किधर ज़्यादा काम है, उसके बाद ऑफिस को बोलेंगे, ऑफिस जिधर जाने के लिए बोलेगा उधर चलेंगे। सो लेट्स गो। तो अभी वहाँ का काम ख़त्म हो गया, उसके पहला काम तो ख़त्म हो गया, उसके बाद तो मैंने क्या किया ना, बहुत 7-8 कस्टमर थे, उस शॉप का सबको कॉल किया, उसके बाद 2 काम कैंसिल हो गया। एक काम के लिए मैं भद्रक जा रहा हूँ, वहाँ से फिर वासुदेवपुर रिटर्न आना पड़ेगा, क्योंकि वासुदेवपुर में 3 काम से 2 काम जो है हमने ऑलरेडी कर चुका हूँ, पर वो ऑटोमेटिकली एलोकेशन हो गया है, रीओपन हो गया है, तो उसको जाके सिर्फ कस्टमर के घर पे जाना है, 2 बार कस्टमर केयर से बात करना है, बस काम खत्म। और दूसरा बात ये है कि वहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूरी पे और एक काम है, तो वो निपटा लेंगे। तो अभी फटाफट जाएंगे पहले भद्रक, वहाँ से वासुदेवपुर, उसके बाद मेरा भी एक वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए है, तो वॉशिंग मशीन देखने के लिए जाएंगे, कौन सा वॉशिंग मशीन खरीदेंगे। तो अभी फटाफट बिना देरी के चलते हैं भद्रक, नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो लेट्स गो। तो ये है भद्रक का स्टेशन, और हमको जो है यहाँ पे ही काम है, स्टेशन के पीछे की साइड, तो जगह का नाम तो पता नहीं, पर इसका पीछे एक मंदिर है, जगुड़ाई मंदिर, वहाँ पे हमारा काम है। तो अभी और कुछ बात नहीं, सीधा चलते हैं जगुड़ाई मंदिर के पास, और काम करने के बाद बात करेंगे। दोस्तों अब तक हमारा 2 काम हमने ख़त्म कर लिए, और 2-3 काम जो थे वो कैंसिल हो गए, मतलब एक काम खुद कस्टमर ने काम कर लिया, दूसरा कोई मिस्त्री मतलब लोकल का बुलाकर। अबे क्या यार, गाड़ी चला रहा है या फिर क्या कर रहा है, और एक काम ख़त्म हो गया, और जो 2 काम है उन्होंने नहीं करेंगे, मतलब आज शायद शादी वगैरह कुछ है इसलिए उन्होंने मना किए, बल्कि आज नहीं होगा कल। रास्ता बंद है, ठीक है आगे देखते हैं, तो उन्होंने मना किए, तो क्या करते हैं अभी दोस्तों, अभी और हमको 3 काम है, 3 से 2 काम हम घर बैठे बैठे कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कस्टमर केयर से बात करना है, बस वो काम 2 हो जाएगा, बाकी रहा 1 काम, और वो जो 1 काम है वो बहुत ही दूरी पे है, मतलब यहाँ से मैं अभी भद्रक पे हूँ, तो भद्रक से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पे है। तो चलिए अभी बिना बातें किए चलते हैं वासुदेवपुर, भी नहीं वो क्या जगह का नाम बोलते हैं, वासुदेवपुर नहीं, वासुदेवपुर से भी और
वासुदेवपुर से और भी ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। इधर रास्ता जो है बस बंद हुआ है, क्या करे, किस तरफ से जाए यार। रास्ते में क्या होगा, वो अच्छा हुआ तो अच्छा, बात बुरा हुआ तो बुरा बात। अभी दोस्तों हमने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया और टाइम बज रहा है अभी दिन के 3, तो हम वासुदेवपुर भी अभी पहुंचने वाले हैं। सो अभी क्या करते हैं ना दोस्तों, वासुदेवपुर का जो काम है उसको निपटा के मैं वॉशिंग मशीन लेके सीधा घर जाऊंगा। और वासुदेवपुर पे मेरा भाई काम करता है, सो उसको हम बोलेंगे कि आ जाएगा वॉशिंग मशीन हमारा, मतलब सेटअप कर देगा, वो रहेगा मदद करने के लिए। सो उसके बाद हम लेके सीधा घर जाएंगे। सो अभी काम करने के बाद बात करेंगे। सो अभी फटाफट चलते हैं काम के लिए। तो अभी शाम हो रही है, मैं सब काम ख़त्म कर दिया, मतलब लास्ट काम जो था वो पेंडिंग रह गया क्योंकि उनका पावर कट था इसलिए। सो अभी वेट कर रहा हूँ भाई, छोटा भाई का, उसका शोरूम ऑफ हो जाएगा 6:30 बजे, तभी हम आके वो वॉशिंग मशीन लेके घर जाएंगे। अभी भी मैं शॉप पे हूँ, मतलब काउंटर नहीं है ये, स्टॉक है, मतलब यहाँ पे स्टॉक रहता है, सभी गोडाउन है ये। सो छोटा भाई का वेट कर रहा हूँ, वो आएगा तभी हम वॉशिंग मशीन लेके जाएंगे। उससे पहले दोस्तों आज ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक बात, आप मेरा चैनल पे नया हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। म्यूजिक।